रामायण में जटायु नाम के एक गिद्ध का वर्णन है। जटायु ने माता सीता को रावण से बचाने की कोशिश की। गुस्सा होकर रावण ने उसके पंख काट दिए और जटायु को अपनी जान गंवानी पड़ी। कट टू कलयुग, असम का तिनसुकिया जिला। पिछले महीनों यहाँ एक साथ कई गिद्धों की मौत हुई। एक धान के खेत में 36 गिद्धों की लाश बरामद हुई। इनकी मौत का कारण जहरीले पदार्थ का सेवन बताया जा रहा है। इस घटना के बाद आसपास के 4 गाँव के लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने मिलकर इन गिद्धों के लिए श्राद्ध रखा। भारत में 9 प्रजाति के गिद्ध पाए जाते हैं, लेकिन 90 के दशक से इनकी आबादी तेजी से घट रही है। इनमें से कई विलुप्त होने की कगार पर हैं। ज्यादातर लोग गिद्धों को घृणा भरी नजरों से देखते हैं। चार्ल्स डार्विन ने भी गिद्धों को डिस्गस्टिंग कहा था, लेकिन भारत सरकार गिद्धों की घटती आबादी को लेकर चिंतित है। अगर गिद्ध खत्म हो गए तो बहुत बड़ी मुसीबत पैदा होगी। नमस्ते, मैं आयुष हूँ। साइंसकारी के इस एपिसोड में गिद्ध की बात करेंगे। इन्हें अंग्रेजी में वल्चर कहते हैं। गिद्ध अपना खाना कैसे पचाते हैं, इन्हें पर्यावरण का सफाई कर्मी क्यों कहा जाता है, भारत में इनकी आबादी अचानक क्यों कम होने लगी और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ज़्यादातर गिद्ध गंजे होते हैं। उनके सिर और गर्दन के पास कोई बाल या पर नहीं उगते। जब वो कुछ खा रहे होते हैं, कोई लाश खा रहे होते हैं, तो उन्हें अंदर तक अपना सिर घुसाना होता है। गंजे होने के कारण उनके सिर पर मांस या खून नहीं अटकता। इससे गिद्ध अपना ऊपरी हिस्सा साफ रख लेते हैं। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं, लेकिन मरने के बाद जानवरों की लाश तो सड़ने लगती है, उनमें कई तरह की बीमारियां पनपने लगती हैं। फिर गिद्ध उन्हें खाकर बीमार क्यों नहीं पड़ते? इसका राज उनके पेट में छुपा है। मृत जानवर का मांस निकलने के बाद गिद्ध के पेट में एसिड रिलीज होता है। ये एसिड बहुत स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग कि इससे कई धातु भी पिघल सकती हैं। ये एसिड ना सिर्फ खतरनाक बैक्टीरिया, वायरस वगैरह को ठिकाने लगाता है, बल्कि इससे हड्डियां भी पचा ली जाती हैं। कई बार गिद्ध अपने बचाव के लिए भी इस एसिड का इस्तेमाल करते हैं। जब उन्हें किसी दूसरे जानवर से खतरा महसूस होता है तो वो एसिड की उल्टी कर देते हैं। ये एसिड वाली उल्टी सामने वाले जानवर को जला भी सकती है, इसलिए वो डरकर गिद्ध से दूर भाग जाते हैं। इस एसिड से गिद्ध के पेट में ज़्यादातर बैक्टीरिया तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ फिर भी बच जाते हैं। कई स्टडीज़ में गिद्ध की आंत और मल में खतरनाक बैक्टीरिया के सैंपल्स मिले हैं। गिद्ध का इम्यून सिस्टम ऐसे बैक्टीरिया को पहचानने में माहिर होता है और उनका शरीर इनसे आसानी से लड़ लेता है। मृत जानवरों की लाश निपटाकर गिद्ध हमारी बहुत बड़ी मदद करते हैं। जिन इलाकों में गिद्ध नहीं होते, वहाँ लाशों का विघटन होने में 4-5 गुना ज़्यादा वक्त लगता है। ये खाली पड़ी लाशें हमारे लिए घातक साबित हो सकती हैं। जानवरों की लाश से पीने का पानी दूषित हो जाता है। ग्रामीण इलाकों में ये पानी का इकलौता स्रोत भी हो सकता है। इस दूषित जल से उन सभी का जीवन खतरे में आ सकता है जो इस पर निर्भर है। जब गिद्ध जानवरों की लाश नहीं खाते तो उसे आवारा कुत्ते या चूहे खाते हैं, और इनका शरीर खतरनाक बैक्टीरिया से लड़ने में गिद्ध जितना सक्षम नहीं होता। ये जानवर, चूहे और कुत्ते, बीमारियों को खत्म करने की जगह उनके कैरियर बन जाते हैं। ये आवारा कुत्ते और चूहे हम तक खतरनाक बीमारियां लेकर आते हैं। जानवरों की लाश खाकर गिद्ध उन बीमारियों को वहीं खत्म कर देते हैं अपने पेट के अंदर। उनके फैलने का डर नहीं होता, इसलिए गिद्धों को पर्यावरण का सफाई कर्मी कहा जाता है। अगर गिद्ध कम होने लगे तो क्या होगा, ये समझने के लिए पूरी दुनिया इंडिया का उदाहरण देती है। भारत में 80 के दशक में गिद्धों की आबादी 4 करोड़ से ज़्यादा थी, लेकिन 2009 में भारत में महज कुछ हज़ार गिद्ध बचे। 90 के दशक में हमें पहली बार पता चला था कि गिद्धों की आबादी घट रही है। जब ये और तेज़ी से कम होने लगी तो पूरी दुनिया का ध्यान इस पर गया, इसकी वजह तलाशी जाने लगी। वैज्ञानिकों ने कई पहलुओं की जाँच की। क्या फसलों में डाले जाने वाले कीटनाशकों से गिद्ध मर रहे हैं, या फैक्ट्रियों से आने वाले प्रदूषण का कोई तत्व जिम्मेदार है? ये भी हो सकता है कि किसी वायरस या बैक्टीरिया का संक्रमण इन गिद्धों की जान ले रहा हो। ये सारे उनके सामने सवाल थे। पूरा दशक बीत गया, लेकिन वैज्ञानिक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। 2002 तक गिद्ध की कई प्रजातियों की आबादी 99% कम हो चुकी थी। आखिरकार 2003 में इस रहस्य से पर्दा उठा। गिद्धों की मौत का कारण गाय भैंस को दी जाने वाली एक दवा थी। इस दवा का नाम है डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। इससे बुखार, सूजन और दर्द में आराम मिलता है। पालतू जानवरों के बीमार होने पर उन्हें डाइक्लोफेनेक दिया जाता है, खासकर गाय भैंस को। 90 के दशक में ये एक आम प्रैक्टिस बन गई। जब यही पालतू जानवर मर जाते थे तो गिद्ध उन्हें खाने लगते। उनके साथ वो शरीर में मौजूद डाइक्लोफेनेक को भी निगल जाते थे। गिद्ध खतरनाक बैक्टीरिया को तो निपटा लेते हैं, लेकिन कुछ मानव निर्मित केमिकल्स से वो मात खा जाते हैं। डाइक्लोफेनेक उन केमिकल्स में से एक है। मृत पशुओं के शरीर में मौजूद ये डाइक्लोफेनेक गिद्धों के लिए जहर साबित हुआ। जब गिद्धों की आबादी कम होने लगी तो आवारा कुत्तों और चूहों की संख्या बढ़ने लगी। ये आवारा कुत्ते तेजी से रेबीज जैसी जानलेवा बीमारियां फैलाने लगे और भारत के लिए एक नया स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया।
2006 में भारत ने जानवरों की दवा में डाइक्लोफेनेक पर रोक लगा दी, इसे बैन कर दिया गया। इसके बाद नेपाल और बांग्लादेश ने भी यही किया। जल्द ही डाइक्लोफेनेक का रिप्लेसमेंट भी खोज लिया गया, लेकिन भारत अपनी खोई हुई गिद्धों की आबादी वापस नहीं ला सका। दुनिया के कई हिस्सों में जानबूझकर गिद्धों को मारा जाता है। इन्हें मारने के लिए शिकारी मृत जानवरों के शरीर में जहर छिड़क देते हैं, उन्हें खाकर गिद्ध मर जाते हैं और बाद में उनका व्यापार किया जाता है। गिद्धों की कई प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर हैं। अगर इसे दुरुस्त नहीं किया गया तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। गिद्धों को लेकर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।